हेलो, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं रेजिन का यूज़ करके बुकमार्क बनाने वाली हूँ, पहली बार करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये रेजिन लिया है और दूसरा ये हार्डनर है। तो ये दोनों का रेशो 3:1 है, तो इसलिए मैंने ये बड़े वाले कप में पहले रेजिन ले लिया और दूसरे ये छोटे वाले कप में मैंने हार्डनर लिया है। इस तरह से मैं मेजर करके इसमें ये जो पेपर कप है इसमें ले लूँगी। जो रेजिन है वो मैंने ये बड़ा वाला कप 3 कप लिया है एंड हार्डनर छोटा वाला कप 3 कप लिया है मैंने। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको अच्छे से मिक्स होने में। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे ताकि उसमें जो बबल आए वो निकल जाए। अभी यहाँ पे मैं कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा वाला बुकमार्क यूज़ करूँ, तो मैंने सोचा कि पहले ये सिंपल वाला ही यूज़ कर लेते हैं। सो अभी यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि इसमें से बबल्स निकल गए हैं क्या। अभी यहाँ पे मैंने ये छोटा कप लिया है जिसमें मैं थोड़ा सा रेजिन निकाल लूँगी क्योंकि मैं रेजिन्स में कलर वगैरह मिक्स करने वाली हूँ। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो मोल्ड है इसमें हम लोग ये जो क्रिस्टल्स है स्पार्कल उसको हम डाल लेंगे हमारे हिसाब से जैसे हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैं उसको एक अरेंज कर लूँगी। आप जिस तरह से चाहते हो वैसे आप अरेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये स्टिक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये जो मोल्ड होता है वो थोड़ा सा रबरी होता है, तो वो हाथ से जो क्रिस्टल्स है वो सरक नहीं रहते हैं। तो मैंने सबसे पहले उसमें डाल लिया, अभी मैं उसको अरेंज कर रही हूँ अच्छे से। मैं यहाँ पे ये ऐसे अप डाउन वाला पैटर्न बना रही हूँ। तो जैसे ये बन जाता है उसके बाद यहाँ पे मैंने ये 2 कलर लिए है, एक ये पिंक वाला। तो पिंक वाला कलर मैं यहाँ पे ऐसे डॉट डाल दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये ग्रीन वाला लिया है, जो दूसरे 2 जगह बची है उसमें मैंने उसको डाल लिया। अभी ये जो रेजिन है उसको हम ऐड करेंगे उसमें। जैसे ही मैं ये रेजिन उसमें डाल रही हूँ तो आप देख सकते हो कलर कैसे स्प्लिट हो रहा है और एक अच्छा सा पैटर्न बन जाएगा इसकी वजह से।